कभी तूफान है, कभी खामोश है, क्यों तू इतनी परेशान है ए ज़िंदगी। अपनी ही चाल पे, अपने सवाल पे, क्यों तू इतनी चलिए कॉर्ड्स देख लेते हैं। तो इस सॉन्ग में तीन कॉर्ड यूज किए मैंने, ठीक है, तीन कॉर्ड्स में ये पूरा सॉन्ग कंप्लीट हो गया है। तो जो पहला कॉर्ड है वो है एफ मेजर, एफ मेजर। सेकंड कॉर्ड है जी मेजर, जी मेजर, और सी मेजर, ठीक है। तो ये तीन कॉर्ड्स यूज किए मैंने, फिर से देख लेते हैं। एफ मेजर, जी मेजर, लास्ट में सी मेजर, ठीक है। तो ये तीन कॉर्ड यूज हुए हैं, आई होप ये समझ में आ गए। तो चलिए चलते हैं रिदम की तरफ। इस गाने को अगर आप अनप्लग करना चाहते हैं तो जो पैटर्न मैंने यूज किया था वो है एफ कॉर्ड पकड़ा मैंने, एफ मेजर, ठीक है। ये इसमें यूज किया मैंने 6 5 2 3 1 2 3 2, वंस अगेन 6 5 2 3 1 2 3 2। सेम पैटर्न हम जी मेजर में भी यूज करेंगे, 6 5 2 3 1 2 3 2, ठीक है, 6 5 2 3 1 2 3 2। लेकिन सी मेजर पे जो होगा वो हो जाएगा 5 4, ठीक है, 5 4 2 3 1 2 3 2, 5 4 2 3 1 2 3 2। तो जो एफ मेजर के लिए और जी मेजर के लिए सेम पैटर्न रहेगा, एक बार फिर से बता देता हूं मैं, 6 5 2 3 1 2 3 2। जी मेजर के लिए भी सेम है 6 5 2 3 1 2 3 2, और सी मेजर के लिए चेंज हो जाएगा ये 5 4 2 3 1 2 3 2, ठीक है। अब कोई भी पैटर्न यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है। बस एक चीज का ख्याल रखिएगा कि जो भी कॉर्ड है, जो भी कॉर्ड आप रख रहे हैं उसका सबसे पहले बेस नोट हिट करना है, उसके बाद आप कोई भी पैटर्न प्ले कर लो, ठीक है, सब सही लगेगा। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। और बेस नोट ये होता है, जैसे कि जी मेजर है तो ये इसका जी मेजर है, इसका ये जी नोट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये इसी को प्ले करना है, ठीक है। और सी मेजर है तो इसका सी नोट है, इसका बेस नोट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसे प्ले करना है, बाकी हम कोई भी पैटर्न इसको बाद फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। और अगर रिदम यूज करनी है आपको तो रिदम आप ये प्ले कर सकते हैं, एक बार और, डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन डाउन। तो आप इस रिदम को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से जो भी आपको सही लग रहा है वो आप यूज कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं रिदम बता देता हूं, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन एंड डाउन। तो जो लास्ट का डाउन अप है एज ए फिलर काम करेगा, तो ठीक है, एक्स्ट्रा डाउन अप मत लगा देना, ये हम रिदम में ही काउंट कर रहे हैं। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप, ठीक है। तो हम बीच बीच में रिदम भी यूज कर लेंगे और प्लगिंग पैटर्न भी, ठीक है। तो दोनों में से जो भी आपको सही लगे आप उसको प्ले कर सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया हो। तो चलिए चलते हैं हम प्रोग्रेशन की तरफ। जो पहली लाइन की प्रोग्रेशन है वो है एफ मेजर, जी मेजर, एफ मेजर, सी मेजर एंड वापस एफ मेजर, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, कभी तूफान है, कॉर्ड चेंज जी भी आएंगे, कभी खामोश है, वापस एफ पे, क्यों तू इतनी परे, सी मेजर, जिंदगी, वापस एफ पे, ठीक है। तो एफ मेजर टू जी मेजर, देन एफ मेजर, सी मेजर एंड एफ मेजर,
ठीक है, इसको रिदम में प्ले करके हम देख लेते हैं। कभी तूफान है, कभी खामोश है, क्यों ठीक है। एग्जैक्टली जो नेक्स्ट लाइन है वो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है कॉर्ड्स में, बस वर्ड्स चेंज है। तो इसको भी प्ले करके देख लेते हैं। F major, G major, F major, C major, F major, exactly same chord है, ठीक है। अपनी चाल पे, अपने सवाल पे, ठीक है, तो दोनों की जो प्रोग्रेशन थी वो सेम थी, ठीक है। अब इस पार्ट को आप चाहे तो प्लकिंग पैटर्न में प्ले कर सकते हैं या फिर आप रिदम में प्ले कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर। अब जो नेक्स्ट लाइन की प्रोग्रेशन है वो है एफ मेजर, जी मेजर, वापस से एफ मेजर, सी मेजर एंड एफ मेजर, ठीक है। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो गई, फिर से देख लेते हैं। एफ मेजर पहली लाइन के लिए, और जो सेकेंड लाइन में आएंगे हम जी मेजर, फिर उसके बाद है एफ मेजर, सी मेजर एंड एफ मेजर, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से है, उलझन जो है तेरी, एफ मेजर पे रहेंगे, मुझको तू बतला दे, अब जी पे आएंगे, वक्त बेईमान है, एफ पे आएंगे, सी में आप अपने जब इस्तेमाल होगी अगर रिदम आप प्ले कर रहे हैं, ठीक है। वापस सी में हम एफ पाएंगे, एक बारी और बोलेंगे, तो यहाँ पे ए जिंदगी तीन बार, और जो पहले बार ए जिंदगी प्ले करेंगे तो उसमें एफ टू सी आएंगे, और बाकी जो दो बार हम ए जिंदगी बोलेंगे उसमें एफ मेजर ही इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो इसको बारी फिर से देख लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्रेशन इतनी आपको, आई होप आपको समझ में आ गई। अब आगे पढ़ते हैं, आगे जो प्रोग्रेशन है वो है G major, F major, G major and F major, ठीक है। तेरा मेरा रिश्ता तो है, कहना पड़ा, फिर पेश आती है तू क्यों इस तरह। G major, F major, G major, F major, ये लाइन दो बार में प्ले करनी है। तेरा मेरा रिश्ता दरा, ठीक है। अब आगे की जो प्रोग्रेशन है वो है F major, C major एंड वापस F major, ठीक है। क्या है बता तू मुझको, जिंदगी, तो F major then C major एंड वापस F major, क्या इतना पार्ट आपको समझ में आ गया। अब वापस हम जो प्रोग्रेशन रिपीट करेंगे वो है F major, G major, F major, C major and F major, और ये कुछ इस तरीके से है। इसके बाद के जो पैराग्राफ है ना एग्जैक्टली ऐसे ही है, ठीक है, उसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और जो प्रोग्रेशन है एग्जैक्टली सेम यही यूज हुई, क्योंकि मेलोडी है वो रिपीट हुई है इसके बाद, ठीक है। तो आई होप आप उस गाने को प्ले कर लेंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं,
और ये मेल वर्जन था, ठीक है, और क्योंकि इसकी स्किल डिफरेंट होगी, और ऑब्वियसली बात है जो फीमेल वर्जन है उसकी स्किल डिफरेंट है, तो मैं उसको मेंशन कर दूंगा नीचे, उसको देख के समझ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये लेसन अच्छा लगा हो आपको, और अगर लेसन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।